सुपर मैं तो मैं पानी डाल फिर वो पीछे जाएगा। हाय दोस्तों बुआ के ओ हो गया तेरा। बस तू खाड़ मत, ये खाड़ के ही दिखा देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज बन रही है सुबह सुबह सेमियां। तो काफ़ी दिनों के बाद ना मैं सेमियां बना रही हूँ। पहले बहुत ज़्यादा हमारे घर में सेमियां बनती थी, सेमियां दलिया बेटे के फेवरेट है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आज बना रही हूँ। और बस सेमियों को थोड़ा थोड़ा मैं पहले भूनूंगी, उसके बाद फिर इसमें ऐड करूंगी दूध, और थोड़ा सा पकने के बाद फिर इसमें ऐड करूंगी चीनी। और आज का सिंपल ब्रेकफास्ट सेमियां ब्रेड और चाय ही है। तो बस देखिए अब सेमियां पक गई है, और अब मैंने इसमें जो है ऐड करनी है चीनी। और चीनी डालने के बाद फिर से इसमें थोड़ा सा उबाल आने तक पकाऊंगी, और हमारी टेस्टी सेमियां बनके तैयार है। और इसके बाद ना मेरा एक नुकसान हो गया आज, और ये देखिए ये गमला मेरे से ना टूट गया। और यहाँ से मैं कर रही थी सफाई, ना यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से सफाई कर रही थी, इसको मैंने इधर थोड़ा सा खिसकाया और पूरा ही टूट गया। तो अब इसके लिए अब लेने चलेंगे नया गमला। और तू क्या कर रहा है इसमें? अपनी बोतल ले और चल, फिर इसको अब रिपोर्टिंग करूंगी आके। ओके चलो चलो, ये तो पहले से तैयार रहता है। एक मिनट रुक जा, मैं और ये शरारती बच्चा, ये देखिए मैं हूँ सच्चा बच्चा, मैं शरारती नहीं, मैं हूँ अच्छा। लो बोतल फेंक के अपनी, मैं हूँ अच्छा बच्चा। तो गमला लेने जा रहे हैं, और ये देखिए कितने सुंदर गुलाब आज मेरे इसमें खिले हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं। भी चलेगा? चलो ठीक है। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने। ये घूमने जा रहा है, क्या करेगा, क्या लेगा? इसको चीजी भी लेनी है। और ये वाली शॉप है हाईवे में, तो यहाँ पर गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें इधर आ रही थी। और ये देखिए ये वाला गमला मैंने लिया है, और इस बार मैंने ना थोड़ा सा बड़ा गमला लिया है, क्योंकि वो वाला गमला ना थोड़ा छोटा था, और वो आप मेरा किन्नू की वैरायटी है एक, तो उसके लिए अब थोड़ा सा ना बड़ा मुझे चाहिए था। और ये देखिए ये मिट्टी का ना तवा बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर बस इसकी तो ये भी दिखा रहा था मुझे कुछ की बुआ ना ये वाला लेना है, पता नहीं ये कुछ था यहाँ पर। और इस वाली शॉप की मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो डाली थी, और अब हम जा रहे हैं घर। तो आज मैंने यहाँ का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। और एमी को लग गई है अब प्यास, तो भाई इसकी बोतल हम साथ में ही लेके आए थे, शायद इसीलिए इसको प्यास लग गई। तो बस अब पानी दे रही थी मैं इसको यहाँ पर, और अब फिर मैं आपसे मिलती हूँ घर में। तो ये देखिए अब इसको मैंने रिपोर्टिंग कर ली है, और वैसे भी ना इसमें रिपोर्टिंग की ज़रूरत हो गई थी, क्योंकि वो वाला गमला ना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, और इसकी जड़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पानी दे दे के इसकी मिट्टी आदि जो है वो निकल गई थी। रिपोर्टिंग की इसको ज़रूरत गमले को हो ही गई थी। और देखिए इसमें मेरे कितने अच्छे किन्नू, और इसमें ना बहुत सारे किन्नू लगे हुए थे, पर इसमें वो गमला छोटा था ना, तो मिट्टी की कमी के कारण ना वो सारे झड़ गए थे। और आज आई है घर से, गांव से धाम, हिमाचली धाम। और धाम में देखिए चने और कद्दू का खट्टा है, मटर पनीर है, और ये पेठे का मीठा है। तो बस हम वही लंच कर रहे थे। चॉकलेट खाने तूने? तू गांव गया था, कैसा रहा तेरा टूर? क्या क्या देखा तूने गांव में? सब कुछ देखा। फ्रेंड्स कितने बने तेरे? 1, 2, 3 फ्रेंड्स बने। अच्छा मजा आया गाँव जाके? पानी, पानी, पानी। हो गया तेरा? हाँ। ठीक है, यहाँ पर पानी तो लेते हैं। और ये देखिए ये है गोभी, तो देखिए इसमें ना गोभी अब लगने शुरू हो गई है। और ये देखिए ये है मूली, ऐसे नहीं दिखेगी, ये देखिए है ना गोभी और मूली है ना। हाँ बस 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 बस, तू खाड़ मत, ये खाड़ के ही दिखा देगा। और फ्रेंड्स अभी मैं आई थी छत में कपड़े सूखने डालने हैं, तो चलिए मैं आपको अपने थोड़ी सी सब्जियों का अपडेट देती हूँ। और वो थी मूली, और ये देखिए गोभी,
कितनी अच्छी गोभी मेरी ना देखिए ग्रो बैग में आई है। और ये देखिए इसमें भी वाली 6 से 7 पौधे हैं गोभी के, तो बड़े अच्छे से ना ये ग्रो हो रहे हैं। देखिए इस पौधे में पालक भी है, टमाटर भी है, और ये देखिए ये शिमला मिर्च है। और इसी शिमला मिर्च के पौधे में ही ना मैंने टमाटर भी लगा रखी है। और ये है कस्तूरी मेथी, तो देखिए ये भी कितने अच्छे से ग्रो हो रही है। और ये है बैंगन, तो बैंगन तो बहुत सारे ना हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर लिए हैं। और ये देखिए ये है पत्ता गोभी और टमाटर। और आज गांव से आया था धाम, हिमाचली धाम, तो वो अभी हमने खाई। और इसके बाद फिर से मैं आ गई अपने इधर प्लांट में देखने, वो मैंने रिपोर्टिंग करी, तो गमले को मैंने अब ना ऊपर रख दिया क्योंकि बच्चे ना नीचे बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, वो जो नींबू उसमें लगे हैं ना वो सारे उखाड़ने के चक्कर में रहते हैं। और कल ही मेरा इतना बड़ा एक अमरूद चोरी हो गया, वो कूड़े वाला आता है, वो छोटा सा बच्चा आया था, उसने फटाफट से मुझे पता ही नहीं चला वो कब निकाल के ना ले गया। फिर बाद में मैंने देखा तो आंटी थे पड़ोस वाले, उन्होंने बोला कि वो कूड़े वाला जो लड़का आया था ना वो ले गया है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, अमरूद चोरी ले गया, अमरूद के लिए ना बाकी और भी उसमें बहुत सारे लगे हैं, तो उनका अब मुझे कोई ना जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे ऐसे तो सारे ही ले जाएंगे, एक बार पहले भी ले गए थे, तो इस हिसाब से तो ना फिर सारे ही अमरूद ले जाए। अमरूद के ऊपर ना मैं एक वीडियो बना रही थी कि किस तरह से जो है ढेर सारे अमरूद लगे, और वो वाले अमरूद में तो ना मतलब 12 महीने लगते हैं, उसमें फ्लावरिंग होती रहती है, मतलब हर टाइम होती रहती है, जैसे ही कोई नई टहनी उसमें आती है ना तो उसमें ना फ्लावरिंग हो जाती है। और उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल खाद जो घर में ही होती है हमारे वो डाली थी, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रही थी, तो वो मेरे चोरी ले जाते हैं, तो वीडियो अभी मेरी कम्प्लीट ही नहीं हो रही। चलिए देखते हैं, कभी ना कभी तो कंप्लीट करूंगी उसको भी। अब मैं उसमें पानी डालूं कभी वो पीछे तो मर जाएगा, फिर मैं तो दूर फेंक दूंगा, ये कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो देखिए वैसे जैसे ही मैं गोभी में मेरे की छत में इतने छोटे से ये इसमें ग्रो बैग में लगी है, और इतनी अच्छी मेरी ना ये गोभी हो रही है। उसको पानी डालेगा नहीं, जिस जो हमारा अमरूद चोरी ले गया उसके ऊपर मैं नीचे डाल दूंगा फिर वो पीछे जाएगा। अच्छा, जिसने हमारा अमरूद चोरी किया ना तो वो नीचे पानी डालेगा फिर वो फिसल जाएगा, है ना? हाँ, फिर तू अमरूद ले लेगा उससे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा साइंस लगाता है अपने, मैं पानी डाल फिर वो पीछे जाएगा, ठीक है। और इनमें भी ना मैं घर के किचन से ही कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें डालती हूँ जिससे जो मैंने एक्सपेरिमेंट करे थे और मेरे सारे एक्सपेरिमेंट ना अच्छे रहे हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो मैं अब शेयर करूँगी धीरे धीरे, जैसे गार्डनिंग में वो आजकल ना मैं अपने दूसरे वाले चैनल जो है उसमें ज़्यादातर मैं गार्डनिंग का ही डालूँगी, तो उसमें मैं शेयर करती रहूँगी कि इस तरह से हम छत में छोटे छोटे गमलों में भी सब्जियाँ उगा सकते हैं और हेल्दी सब्जियाँ उगा सकते हैं। देखिए जैसे कि मेरी निकल रही है, तो चलिए जी आज की मेरी छोटा सा ब्लॉग यही है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।